यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में पशुपालन घोटाले में फरार चल रहे आईपीएस अरविंद सेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अरविंद सेन की वारंट रिकॉल की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज कर दी गई है। अरविंद को कोर्ट से अरेस्ट वारंट को रिकॉल करने की उन्होंने अर्जी दी थी। अब अगले दो दिन में अरविंद सेन के घर पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साथ ही कुर्की की नोटिस अरविंद सेन के आवास पर भेजी जाएगी। तो आईपीएस अरविंद सेन को यह बहुत बड़ा झटका लगा। पशुपालन घोटाले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि आरोपी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, पशुपालन घोटाले से जुड़ी हुई 50,000 का इनामी सिपाही दिलबहार यादव गिरफ्तार कर लिया गया। दिलबहार यादव जिस पर 50,000 का इनाम रख दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस ने दिलबहार यादव को गिरफ्तार किया है। कल दिलबहार यादव ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी डाली थी और लखनऊ पुलिस ने सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को कि सरेंडर से पहले ही दिलबहार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 का यह इनामी सिपाही दिलबहार यादव कोर्ट में सरेंडर करता उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अर्जी जरूर डाली थी कि ये सरेंडर करना चाहता है और सरेंडर करेगा, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। संतोष हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष चाहता था सरेंडर करना, लेकिन पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। कहां पर था, कैसे पुलिस इस तक पहुंची? देखिए, लगातार लखनऊ पुलिस और खास करके लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने एक स्पेशल टीम बनाकर दिलबहार यादव के तलाश में दबिश करवा रहे थे। उसी कड़ी में बीती रात गोमती बैराज यानी हजरतगंज थाना क्षेत्र का जो गोमती के बैराज है वहां पर इसकी लोकेशन में भी तत्काल टीम भेजी गई और जिसके बाद से दिलबहार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। दिलबहार यादव पशुपालन घोटाले में 50,000 का इनामी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का ही सिपाही है जो नाका थाने में तैनात था और व्यापारी मंजीत को धमकाने का मुख्य आरोप है इसके ऊपर। इसके बाद से अब माना जा रहा है कि दिलबहार यादव के बाद पशुपालन घोटाले का जो दूसरे आरोपी आईपीएस है अरविंद सिंह पथवी चल चिकन जाकर। जी शुक्रिया संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।